ग्रिल देखो, ग्रिल कितनी मोटी लगी है। पुलिस ने अजे तक कार्रवाई कोई नहीं की वाले हो पेपर लेके आए एसी देखो, एसी देखो, वो भी एसी सड़ गया, एसी भी सड़ गया, वो फ्रिज थी वहां लकड़ी की गार्डनबारी थी, वो गार्डनबारी भी सड़ गई, पीवीसी हुई थी ऊपर लैंडर पे, जो पीवीसी स्टैंड में पीवीसी थी ऊपर भी छत में पीवीसी थी, पखे लगे थे, फ्रिज कूलर लगा था, वॉशिंग मशीन लगी थी, वो सारा सारा सड़ गया। गार्डनबारी थी, ये देखो इन्होंने गार्डनबारी भी तोड़ी है, गार्डनबारी तोड़ के सारा जेवर शेवर सब निकाला है इन्होंने, ये ऊपर पीवीसी हुई थी, वो भी नीचे गिर गई है सारी, पीवीसी भी हुई थी, ये फ्रिज थी, एलसीडी लगी थी, वो भी ये एलसीडी है, बेड भी थी, इधर बेड भी लगा था, वो बेड भी सड़ गया था, इधर बाहर सोफे नहीं, ये देखो ये कड़े हैं, वो पर्दों के ये कड़े हैं, उन्होंने माथा दफन कराया है। और पुलिस बोलती है कि जहां रसोई है रसोई से आग शुरू हुई है, ये बिल्कुल पुलिस झूठ बोल रही है, सिलेंडर भी देखे और रसोई भी किचन भी देखा, किचन के साथ कुछ नहीं हुआ, किचन से आग शुरू हुई, इन्होंने पेट्रोल डाला और फिर अंदर सारे अंदरों में आग लगी है, ये किचन है जी, सिलेंडर सारे, मैं पुलिस एसएचओ को बताना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर से आग लगी है, जहाँ कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई किचन को आग नहीं लगी, ये सिलेंडर भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, ये देखिए ये सारा सामान पड़ा है, ये फ्रिज पड़ी है, ये फ्रिज भी देखो, ये फ्रिज पड़ी है, ये सिलेंडर हमने बाहर रखा है, सिलेंडर को कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं नहीं ये जितने बांडे पड़े हैं ये सब प्लास्टिक का सामान पड़ा है नीचे, ये देखिए ये प्लास्टिक का, ये सारा प्लास्टिक का सामान पड़ा है, क्या सिलेंडर को पता नहीं चला कि किचन का किचन से आग लगी है या बाहर से लगी आग, और इन्होंने पेट्रोल फेंका और आग लगाई, ये अपनी है लग रहा है। रोशन लाल जी रोशन इक पिंड है जी अरे जाके दसो की हाल हुई है गल मैं सारे मेडिकल नौकरी करा सामने आ जाओ मैं ते ये लोग आए ना साढ़े घर उन्हें गाला गुला कड़ी जाने रोके होना फिर दूसरी बार मुड़ी आए ने रफा रुखना लिए फिर लगी पे गाला कड़न इतों फिर इनकी गलबात कोई हुई भी नहीं है उसके बाद इनकी मार कटाई हुई भी नहीं है साढ़े घर के भी इतना कहना थाने इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की इन्हें पुलिस वाले कितने लोग थे, क्या था, आपको पता है को? 9-10 थे यार। कैमरे में सीसीटीवी कैमरे में आए रिकॉर्डिंग? हाँ जी हाँ जी। नाम है आपका? मेरा नाम द्रोहर है, हम हरिया चक रहते हैं जी। तो इनका झगड़ा हुआ था, कुछ सलारपुर के लड़के थे, वो पहले वहाँ से यहाँ पे आए थे मारने के लिए, तो झगड़े में झगड़ा तो लगती है सबको, तो सीसीटीवी फुटेज है, पहले उन्होंने इनका रास्ता रोका था, फिर वो यहाँ पे आए थे वेपन्स लेके, तलवारें लेके कुछ, तो इन्होंने अपने डिफेंस के लिए तो मारना ही था, अपने आप को तो बचाना ही था, तो लगी होगी कहीं, तो फुटेज भी है कि वो रफले लेके आए थे, वेपन्स लेके आए थे, उनके पास बहुत थी, वीडियोज भी है हमारे पास, तो उसके बाद बार बार पुलिस आ रही थी घर पे, तो
नेचुरली बात है कि जब पुलिस आ रही हो तो कोई भी नहीं रहता घर पे, सब भागे हुए थे, तो उन्होंने थ्रेड भी दिए थे कि हम आपके घर को जला देंगे, बीच में पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, अगर आपने हमारे बंदे पकड़ ही लिए हैं तो कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से होनी थी, घर जलाने का तो कोई फायदा ही नहीं था। तो अगर झगड़ा था, अगर आपने मारा फिर हम मारेंगे, ये कोई बात नहीं थी। घर जलाने वाला क्या था, हमारा गोल्ड था, मेरी भाभी का गोल्ड था, मेरी जेठानी है जो, मेरी मदर इन लॉ का गोल्ड था, कुछ भी नहीं रहा हमारे घर में। मेरी तो अभी शादी हुई थी, 1 ईयर भी नहीं हुआ, सब कुछ था, सब कुछ नया था, गोल्ड था, कैश था, हमारी भैया की बेटी है, मेरे जेठ की बेटी है वो भी थी, उनका भी सामान था, इनको क्या मिला ये जला के, कुछ भी नहीं मिला। वेपन्स ये लेके आए, सब ये लेके आए, सब कुछ है, वीडियोस है, फिर पुलिस इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जो हमारे अंदर हुए हुए हैं उनको भी मार लिया तो फिर क्या था, ये सब क्या था। 2 लाख कैश था अंदर, मैंने अपने हाथ से रखा था, मेरा गोल्ड अलग था, मेरी भाभी का अलग था, मेरी मदर का अलग था, मेरे हस्बैंड का अलग था, मेरे हस्बैंड के भैया का अलग था, सबका अलग अलग गोल्ड था, वो सबका अंदर पड़ा था, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब ये बताओ हमारा नुकसान कौन भरेगा, कैश भी थी, मेरी अलग थी, मेरी भाभी की अलग थी, फर्नीचर था, सब कुछ था, ये कैश है, ये कैश है, ये अभी आधे मिले, आधे तो पता ही नहीं, अभी तो वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, इतना गर्म है वहाँ पे, ये कैश है, ये देखो आप पढ़ रहे हैं 500, ये तो भी आधी है और भी है, क्या मिला इनको, मेरा नुकसान कौन भरेगा, ये थोड़ी भरेंगे। अगर ये बोलेंगे कि हमने नहीं किया तो 2 दिन से कुछ नहीं हुए, पापा यहीं पे थे 2 दिन से, अब डॉग्स भी नहीं है, पहले उन्होंने डॉग्स को मारा होगा, कहीं मार के फेंका होगा, 2 दिन से वो नहीं है, उसके बाद इन्होंने सिलेंडर तो अच्छा भला ये अंदर आए बैक साइड से, इन्होंने वहीं से जलाया, पेट्रोल से जलाया। तो पुलिस क्या कहती है, कैसे आग लगी है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस बोल रही है सिलेंडर फट गया होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, ये तो सिलेंडर तो सही है, सिलेंडर तो सही है, किचन भी सही है, हाँ, किचन भी सही है सब कुछ, पर हमारा कैश गोल्ड कुछ भी नहीं है, कौन भरेगा हमारा, हमने आगे भी रहना, हम कैसे रहेंगे, बेटी भी है छोटे भी, वो 1 साल की हुई है, हम कैसे रहेंगे, फिर हम जाएगा, हमें धमकियां भी दी गई कि हम आपका घर जला देंगे, वही बात हुई, इसी के डर से तो आ नहीं रहा था कोई घर पे। हम बोलते हैं ये 2 नंबर का काम भी करते हैं, ये लकड़ी का काम भी करते हैं, ये व्हाइट का काम भी करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी SHO से डायरेक्ट बात है, हम उनको मंथली पेमेंट देते हैं, तो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं SHO भी है, DSP भी है, SSP भी है, और ये सरपंच भी है, ये हमारे हैं, तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, तो बताओ अब हमारा नुकसान कौन भरेगा। अब हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारा नुकसान भरा जाए और पुलिस भी उन पर एक्शन करे। हम भी अपनी एप्लीकेशन देने गए थे, हमारे घर में मेरी भाभी थी, मदर थे, बेटी थी, मैं नहीं थी घर पे, तो एप्लीकेशन लिख के गए, वो एप्लीकेशन भी है हमारे पास, पर वो पुलिस वालों ने वो भी नहीं ली। अब हमारा नुकसान कौन भरेगा, और हम नहीं गए थे वहाँ पे मारने, वो आए थे हमें मारने, वेपन्स भी हैं उनके पास, राइफल्स भी हैं उनके पास, और पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। मेरा नाम गुलजार मसीह है। जे इनका झगड़ा हुआ था 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन के बाद सारे बच्चे घर के जो सारा परिवार था ये सारा फरार था, मेरी बहन भी फरार थी, मेरे भांजे भी फरार थे, सारे परिवार जो था सारा फरार था। मैं बोलता है कि किसी ने की क्या किया क्या नहीं किया, ये क्यों सी बात होगी, मेरी बहू का कमरा फूंक दिया, मेरी बहन के सारे जो कमरे हैं वो भी फूंक दिए, जला दिए, LCD जला दी, गार्डन लंबारियां जला दी, वो PVC की थी वो सारा जला दिया उन्होंने, एक एक चीज हमने मीडिया को बताई है कि ये सब कुछ जला दिया, वो उसमें 2 लाख कैश थी वो कैश भी जला दी उन्होंने। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, और मैं SSP से भी अपील करता हूँ कि हमारी जो जितना नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान जो है वो भर दिया जाए, ठीक है ना, उसकी भराई की जाए। मैं अपील करता हूँ सभी वासियों से भी जो नजदीक गांव वाले बैठे हैं, ये इनको भी देखना चाहिए था कि अगर किसी के घर पे आग लगी है तो हमें उसे जाके कोई पानी छानी फेंकना चाहिए था, बचानी चाहिए थी, क्या घर वाले सारे सो रहे थे जो नजदीक थे, जो ये भैये थे इधर साथ में जो कमरे में जैसा ये कोठी थी साथ में, इनको सबको पूछना चाहिए था कि भाई आपने देखा नहीं रात को अगर 2 बजे आग लगी है कौन लोग आए हैं कौन लोग नहीं आए, पर आए जे ही हैं जिनके नाम बताए हैं हमने, ठीक है, जे 4-5 दिन पहले भी धमकी दे रहे थे कि हमने घर को जलाना है और इनके परिवार को काटना है, ये इन्होंने धमकी दी है शरेआम, ये वेपन लेके आए हैं, पहले ये इनका 15,000 रुपए का कोई नुकसान था इनका, वो गाड़ी लेके जा रहे थे लड़के, वो लड़के मांग के आए गाड़ी वो उसकी कि भाई हमारे साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि 15,000 तो उन्हें उसे लेना है, हमसे नहीं लेना है 15,000 रुपया, उसे लेना है, तो आप गाड़ी हमारी क्यों, उसकी गाड़ी छीन रहे थे ये जितने भी आदमी थे, ये गाड़ी छीन रहे थे, उन्होंने गोली रखी उसके लड़के के ऊपर, धमकाया उसको ये जहाँ 15,000 रुपये दे दो या गाड़ी छोड़ दो यहाँ पर, फिर ये गाड़ी लेके वापस घर पे आ गए, ठीक है ना, वो पीछे पीछे दोबारा वापस आए, जब पीछे आए तो फिर आगे हरिचक में इन्होंने झगड़ा किया, फिर अपना आप तो बचाना है सर, अगर परिवार को कोई काटने आएगा वो तो बचाएगा अपना आप,
ठीक है ना, फिर दोनों भाई ये बाहर निकले, ठीक है, इनकी लड़कियां बाहर निकली, बहू बाहर निकली, वो भी आया, उसको भी इन्होंने मारा, ठीक है ना, तो चोट लगी होगी उसको, हम नहीं बोल रहे कि नहीं चोट लगी होगी उसको, पर ये कौन सी बात है कि आप तो उसका गाड़ी पूरा चला दोगे, आप छोटी बच्ची का सामान था वहां, वो भी सारों ने इन्होंने जला दिया, चार LCD थी घर पे, वो भी जला दिया, चार लंबारियां थी वो भी जला दिया इन्होंने, गोल्ड था इनका, वो बारियां तोड़ के गोल्ड ले गए सारा ने निकाल के इनका, हम किसको बताएंगे, पुलिस को बताएंगे ना, पुलिस हमारी करता धरता है ना, पुलिस को हम बताएंगे, अगर पुलिस ने हमारी बात सुनेगी तो कौन सुनेगा, SHO को सारा पता है कि कौन कौन से लड़कों ने आग लगाई है, और SHO बोल रहा है कि नहीं सिलेंडर से ये जला हुआ है सब कुछ, आपने किचन देखा, किचन के कोई आग नहीं लगी, किचन को कोई सिलेंडर को आग नहीं लगी, कोई किसी को आग नहीं लगी, लकड़ी का दरवाजा किचन का उसको आग नहीं लगी, वहां तोड़े पड़े हैं, वहां जितने किचन के जो हल्दी बसार वगैरह जो पड़े हैं वो किसी को आग नहीं लगी, मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इनको जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए, और SHO को मैं अपील करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी पुलिस वाले एक्शन लें, ठीक है, इनकी जितनी भरपाई है वो करें।